तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। किचन बहुत गंदा हो रहा था, तो त्योहार भी आ रहे हैं इसलिए मैंने कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो आज मैं क्लीन करूँगी तो किचन बस को। अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो रहा है, हल्का सा बुखार भी है और ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैंने शॉल भी ओढ़ ली। पर क्या करें, घर का काम है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि त्योहार भी आ रहे हैं, ज़्यादा लेट भी नहीं हो सकते, अब रह ही कितने गए हैं दिन। तो इसलिए तो मैंने ऊपर वाली स्लिप साफ, मतलब सारे वो डिब्बे वगैरह सब नीचे उतार लिए, और मैं इस पर झाड़ू लगा रही हूँ, जो कि थोड़ा बहुत कूड़ा है उसे मैं फेंक दूँगी। तो इसलिए, और ठंड लग रही थी तो मैंने अपनी शॉल ओढ़ ली। और तो पहले मैं ऊपर वाली स्लिप को ही साफ़ करूँगी, बाद में करूँगी नीचे वाली स्लिप को। तो मैं अभी झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा करके और मैं निकाल दूँगी बाहर। और ये देखो विराज आ गया पीछे पीछे, तो घर में भी काम सारा ऐसे ही फैला हुआ है, तो एक तो करने का भी मन नहीं करता, कि वो ये ना, फिर यूँ लगता है सफाई हो तो सारे चमक पूरे घर में हो, वरना वही। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, किचन की और रूम की तो कर ही लूँगी, बाहर चौक में जो फैला हुआ सारा सब फैले फैले रहने दो। तो इसलिए तो मैं थोड़े डिब्बे वगैरह आए जो वो नीचे वाली स्लैब पे रख दिए थे, और मैंने ऊपर वाले जो डिब्बे थे वो सब बाहर रख दिए। तो बच्चे हैं कर, वो ये करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाली स्लिप मैंने साफ़ कर दी है, डिब्बे वगैरह सारे साफ़ करके रख दिए हैं। तो सोचा पहले बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं इस वाली स्लिप को भी साफ़ करूँगी और पूरा क्लीन हो जाएगा, तब दिखाऊँगी आपको। तो बर्तन सारे हो गए थे क्योंकि सुबह खाना बनाया था जल्दी, क्योंकि खाना वगैरह सब बना के रख दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि फिर वही ना, बीच में बच्चे जब मांगते हैं फिर दोबारा बनाना पड़ता है, तो फिर वही फैलता है सब काम। तो इसलिए तो मैं बर्तन पहले खाना बना लिया था सुबह ही, बना के रख दिया था बच्चों के लिए। तो मैं सारे बर्तनों को भी साफ़ करके, और मैं स्लिप वगैरह साफ़ करके सारा कुछ, और सारे देखो कितने सारे बर्तन हो रहे हैं, ढेर लग रहा है बर्तनों का। वही तो सफाई करते हैं तो बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं, तो इसलिए। अभी मैंने किचन साफ़ कर लिया और गैस को मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, इसे भी धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि वो ये ना सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं, अब चिकनाया सा हो जाता है गैस भी, तो चिकनाई चिपक जाती है, तो इसलिए इसे भी मैं ब्रश से, साबुन से अच्छे तरीके से धो लूँगी। और ये ना मेरी स्लैब पर मैट बिछा हुआ है जो मैंने बिछाया था, क्योंकि वो ये ना पत्थर थोड़ा वैसा ही हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे बिछा लिया। और जो सामने जो लग रहा है ये बोट है, और देखती हूँ दिवाली पे या दिवाली के बाद मैं इस पर भी कुछ और करूँगी, इस पर सामने वाली पे, और इसे भी मैं चेंज करूँगी मैट को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो ये भी थोड़ी ऐसी हो गई है, तो इसलिए तो मैं इसे भी चेंज करूँगी, देखती हूँ कब करूँ। तो अभी मैं इस पर भी स्लैब पे, पर ये ना जलता नहीं है, ये इसे गरम कुछ भी रख लो नहीं जलता है, और साबुन या ब्रश हाल मतलब मारो तो हाल साफ़ हो जाता है, ये बिल्कुल पत्थर की तरह, जैसे पत्थर होता है ना एकदम, तो ये भी ऐसा ही है मैट भी, तो इसे भी मैं ब्रश से एकदम साफ़ कर लूँगी।
क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो वो चिकनाई जाती है, धुआं हुआ जाता है, तो उससे भी चिकनाई बैठ जाती है इन पर, तो इसलिए गंदे हो जाते हैं जल्दी। तो इसलिए मैं इसे भी अच्छे से साफ कर लूँगी एकदम पानी से। ये देखिए इधर मेरी गैस रखी रहती है ना कोने पर, तो वहीं ज़्यादा जम रहा है, तो इसलिए मैं इधर से भी साफ़ कर रही हूँ। और देखती हूँ किचन में पत्थर लगवाऊँ कि नहीं, क्योंकि हमारा घर इधर से भी ये टूटेगा, यहाँ से किचन हटेगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा वैसे किचन को उठाने में भी, तो इसलिए तो अभी मैं जल्दी से एकदम इसे साफ़ कर लेती हूँ। इसमें पानी वगैरह कुछ भी करो ख़राब नहीं होता ये। तो बस अब मेरी स्लिप साफ़ हो गई है। मैं गैस को भी, मैंने जो नीचे रखा था और उसे भी उठा के ऊपर रख दूँगी स्लिप पर, और मैं सूखे कपड़े से साफ़ से इसे पूरा साफ़ कर दूँगी किचन को। तो ये देखिए गैस को भी मैं ऊपर रख दूँगी और गैस पे भी मैं सूखा कपड़ा मार दूँगी इस पर, जो कि अच्छे से साफ़ हो जाएगी ये। और ये लाइट की रोशनी आ रही है सामने, तो बस। और देखो आरओ भी मेरा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आरओ गंदा हो जाता है, वाइट कलर का है ना, तो अगर बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो इस पर छींटे पड़ जाते हैं, तो मुझे ये साफ़ डेली का करना पड़ता है, क्योंकि वाइट है तो जल्दी दिखता है इस पर, तो इसलिए। और मेरे आरओ को भी 3-4 साल हो गए लगे हुए, तो इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये तो है डेली का काम है मेरा, तो इसलिए, क्योंकि अगर मैं इस पर नई कपड़ा मारूँगी ना तो ये बहुत गंदा लगता है, हल्का सा ही गंदा हो जाता है उसमें ही दिखने लग जाता है ये, तो इसलिए। और मैं जल्दी ही अपने किचन का चेंज करने का सोच रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वह तो बस ऊपर वाली स्लिप साफ़ हो गई है, दूसरे नंबर वाली भी साफ़ हो गई, अब नीचे का रह गया है, तो मैं फटाक से अब नीचे का भी कर लूँगी, फट्टे वट्टे बाहर निकाल के रख दूँगी। तो ये मैंने नीचे मैट बिछा रखी है जो कि बची थी रूम में से, तो ये पूरी नहीं हो पाई थी, तो किचन के लिए भी मैं लेके आऊँगी अलग, कोई दूसरी लेके आऊँगी, अभी फ़िलहाल मैंने यही डाल रखी है जो बची थी, पर हाँ इसे मैं चेंज करूँगी। तो नीचे का भी मैंने साफ़ कर दिया है, तो अभी मैं पोंछा लगा रही हूँ इसमें, फटाक से पोंछा लगा के रख दूँगी। तो वही है ना, पूरा टाइम निकल जाता है ऐसे ही, किचन साफ़ करिए फिर वो घर खाना भी बनाया सुबह। और आवाज़ तो मैं मेरी थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम खांसी भी हो रहा है, तो इस वजह से, तो प्लीज़ आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही है तो इग्नोर करना। और तो बस किचन मेरा एकदम क्लीन हो चुका है, और बच्चे हैं गंदा कर देते हैं बहुत जल्दी, बच्चों का भी यही रहता है, और ख़ास करके दीवारों को बिगाड़ना और काटना कूटना पेंसिल से कभी किसी रंग से या कुछ, तो बस पूरा दिन ऐसे ही बच्चे करते रहते हैं। तो मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लेके और मैं किवाड़ पर भी मार ही दूँगी इसे। तो बस किचन साफ हो गया है, कंप्लीट हो गया, बस अब रूम में भी पोछा लगा लूँगी, झाड़ू मैंने लगा दिया है जल्दी से, तो रूम को भी साफ़ कर लूँगी हल्का सा, तो जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी और बस, और पोंछा भी लगा लूँगी कमरे में ही। और ये सामने फ्लावर देख रहे हो जो, तो ये वाला ये बनाया था, और ये बाज़ार के फूल मंगा के मतलब लगाए हैं, और ये जो मेरा रखा था वो सूख गया है, तो इसी पे मैं इसे रख दूँगी, चम्मचों का बना हुआ है, आइसक्रीम वाली जो चम्मच होती है उससे बनाया है, मैं आपके साथ अगर आप कहोगे तो मैं शेयर करूँगी इसे भी और दिखाऊँगी। तो बस अब रूम में पोंछा लगा लूँगी पर जल्दी से, तो काम मेरा फिनिश हो गया है किचन का भी और रूम का भी। तो बस रूम में भी झाड़ू लग पोंछा लगा दिया है, और देखो किचन मेरा एकदम साफ हो गया है क्लीन, ये देखिए। और देखती हूँ मैं इसमें चेंज करूँगी थोड़ा बहुत किचन को, तो सोच रही हूँ दिवाली के बाद करूँ या दिवाली से पहले ही, पहले तो टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, तो इसलिए। और रूम रह गया है, रूम को भी मैं देखती हूँ कल क्लीन या परसों करूँगी एकदम, तो बस हो गया काम मेरा।
तो कोई बोल रहा है कि नजर लग गई है इसकी वजह से, थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। मैं कोई ज़्यादा खूबसूरत मतलब कि ज़्यादा सुंदर तो है नहीं जो मुझे नज़र लग जाएगी, तो इसलिए भी। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरी वीडियो देखें प्लीज़, वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो देखकर ही सब्सक्राइब करें प्लीज़।